अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है दही बड़ों की। इसके लिए मैंने दही लिया है, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो है। इसमें मैं ऐड करूंगी आलू, ये मेरे पास 3 से 4 अदर मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इस तरह काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और इसको भी मैंने स्लाइस कट कर लिया है। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, 2 अदद इसमें मैं खीरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने धनिया और पुदीना इकट्ठा काट के रखा हुआ है। बेसन की मदद से हम इसमें जो बूंदी है वो तैयार करेंगे। इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें। एक बाउल में सबसे पहले हम बेसन शामिल कर देंगे। मैं इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसमें मैं नमक यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। और हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। बेसन की जो पेस्ट है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको मैंने ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखा। बूंदी तैयार करने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं 1 चम्मच की मदद से इसमें बेसन जो है वो ऐड करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका हम बाकी की बूंदी भी तैयार कर लेंगे। बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है, तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। मैं एक मिक्सर में धनिया और पुदीना ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें मैं 3 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून नमक और 1 से 2 चम्मच इसमें मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इनका अब मैं मिक्स कर लूँगी। चटनी अब हमारी ग्राइंड हो चुकी है, इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल में सबसे पहले हम दही शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने चटनी रेडी करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जो हमने बूंदी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने पानी में इसलिए नहीं भिगोया कि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो ये इनका पानी सोख कर लेगी। इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, साथ ही हम इसमें खीरे ऐड कर देंगे, आलू ऐड कर देंगे और हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, दही बड़े जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखो हम मसाला डालेंगे, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चाट मसाला। इसकी रेसिपी हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं, ये होममेड है। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है और इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट यूज़ करूँगी, सॉल्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मसाला बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।